हाय एवरीवन, तो मुझे लिटरली 10 मिनट हुए हैं इस इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिस करते हुए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक 1.5-2 साल पहले मैंने लिया होगा ये, एंड आई प्लेड इट फॉर अ वाइल और फिर कहीं कोने में रखा हुआ था। तो आई जस्ट पिक्ड इट अप टुडे। मेरे मॉर्निंग में सर दर्द हो रहा था, सो आई थॉट कि यार कुछ अलग करते हैं, पढ़ाई नहीं करते थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा कि उठाते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि फर एलिस पर जाते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, जो कि आपने रेस्टोरेंट्स में सुना होगा। तो मैंने फर एलिस का ट्यूटोरियल देखा यूट्यूब पे, और लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, 5 से 10 मिनट में मैंने पूरा फर एलिस का जो भी पूरा जिस तरह से प्ले करना था वो पूरा ब्रेक डाउन हो गया इजीली। यूट्यूब हैज़ सो मच पावर, और मैं 10-15 मिनट से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार बजाया। तो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ अभी, तो आपको पता लगेगा कितना इजी इंस्ट्रूमेंट है और कितना सूदिंग है। तो पढ़ाई कर रहे हो तो आई थिंक साइमल्टेनियसली ऐसा कुछ ले सकते हो, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, 1000-1500 का आता है ये। तो आई थिंक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए, स्ट्रेस थोड़ा रिलीज करने के लिए अच्छी चीज़ है ये। और एक नया टैलेंट भी सीखने को मिल रहा है, CV में भी लिख सकते हो कि मैं कलिम्बा बजाता हूँ, इसको कलिम्बा बोलते हैं उससे। ठीक है, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, हो सकता है गलतियाँ हो बीच बीच में, क्योंकि 10-15 मिनट ही हुए मुझे सीखते हुए। लेट्स स्टार्ट। तो ये पूरा फरेलिस मैंने बजाया, कितना, 4 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट मैंने आपसे बात करी, तो 3 मिनट में हो गया है पूरा सॉन्ग। एंड आई डोंट थिंक लाइफ कैन बी बेटर। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही अच्छा बीट हो, इनकी मेलोडी है, और 15 मिनट में ही सीख सकते हो, तो उससे अच्छा क्या है। मल्टीटास्किंग, टाइम सेविंग, जो भी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं चीज़ें, वो सारी हैं, और साथ में एक नया टैलेंट भी सीखने को मिल रहा है। थोड़ा ब्रेन भी ठंडा होगा, बहुत गर्म हो जाता है पढ़ पढ़ के। ऐसा ही कुछ ना कुछ नया डालता रहूँगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।